अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन यूट्यूब क्लास बाय रफीक मीर। ये हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा सेट थ्योरी का, जो आपके अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस में है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। हमने मैथमेटिक्स का एक वीडियो पहले से अपलोड किया है, आज ये दूसरा है। लेकिन प्लीज़, जिसने पहला वीडियो नहीं देख रहा है, जो पहली बार यूट्यूब चैनल को मेरी देख रहा है, वो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखे, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक फंडा है। जब तक ना आपको बेसिक समझ में आए, तब तक आप दूसरी चीज़ों को समझ पाना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो प्लीज़ पहले वो सेट थ्योरी का पहला वीडियो देखें प्लीज़। उसके बाद हमने आपको वहाँ पे सेट्स की डेफिनेशन बताई थी, टाइप्स बताए थे और ऑर्डर ऑफ ए सेट बताया था। और आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। हम सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे किसी बंदे के दो नाम होते हैं, एक घर में बोलते हैं, दूसरा स्कूल में बोलते हैं, या ऑप्शनल नाम होता है। तो इसी तरह हम सेट को दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट किसे कहते हैं, हमने बोला है पहले वीडियो में आपको। तो आज हम जनरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, और आज हम बताएंगे कि एसएसबी कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैथमेटिक्स से, स्पेशली सेट थ्योरी से। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है पक्का, तो कैसे पूछेगा इससे वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं। पहली डेफिनेशन, रोस्टर फॉर्म। सेट को हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको एक और नाम से भी पुकारते हैं मैथमेटिक्स में, हायर मैथमेटिक्स में लिस्टेड फॉर्म। उस पे आपको नहीं जाना है। रोस्टर फॉर्म मींस इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड, जिसमें एलिमेंट को लिस्ट किया गया है, जैसे जिसमें एलिमेंट को बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ए इज इक्वल टू, अगर मैंने ये सेट लिया, वॉबुलस का है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, कर्ली ब्रेसेस है ये, उसके अंदर एलिमेंट्स डालते हैं ए कमा ई कमा आई कमा ओ कमा यू, सिंपली ये वॉबुलस है। तो हमने वॉबुलस का एक सेट बनाया, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एलिमेंट्स विजिबल हो रहे हैं, लिस्ट हो रहे हैं, अलग अलग सेपरेट हो रहे हैं। तो इस फॉर्म को, इस टाइप के फॉर्म को सेट्स में रोस्टर फॉर्म कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स विजिबल नहीं होते हैं, जिस तरह यहाँ पे हैं, लिस्ट नहीं किए गए हैं, बल्कि उनकी प्रॉपर्टी दी गई है। देखो, सेट बिल्डर फॉर्म इन विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन, जिसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है। अब देखो, ये चीज और ये चीज एक ही चीज है। देखो कैसे, एक सेट है, नाम रखा है ए, कर्ली ब्रेसेस में एक्स वेरिएबल का यूज हो गया है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स वॉवेल होते हैं, इज ए वॉवेल, मींस हमने इस सेट में भी वही एलिमेंट लेने हैं जो वॉवेल है। तो सीधी सी बात है, अगर इसको कोई डिकोड करेगा, इसको कोई रिप्रेजेंट करेगा, तो वो भी लिखेगा ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। लेकिन रिप्रेजेंटेशन दूसरे तरीके में है, प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी दी गई है, तो दिस इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? एक और एग्जांपल मैं जल्दी दूंगा ताकि रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर हो जाएगा। मान लिया आपको 10th की बुक्स लाने हैं, आपने अपने पेरेंट्स से बताया हमें 10th की बुक चाहिए, 10th क्लास की बुक चाहिए, वो गया दुकानदार के पास, उसने लाया, तो सीधी सी बात है, वो वहां से मैथ लाएगा, साइंस लाएगा, सोशल साइंस लाएगा, उर्दू लाएगा और हिस्ट्री लाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया भूलने का, आपने पापा से बोला सीधा मैथ्स 10th का सेट लाना। दूसरी बात, आप पापा को इस तरह भी बोल सकते हो, पापा मुझे लाना मैथ्स 10th का साइंस, सोशल साइंस, उर्दू, इंग्लिश, हिस्ट्री, वो भी तो वही बात होगी ना। लेकिन इस वाले केस में आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एलिमेंट्स की क्या बताते हो, प्रॉपर्टी बताते हो, लेकिन इस वाले केस में आप एलिमेंट्स को अलग अलग बताते हो। दिस इज द रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है एसएसबी। एसएसबी क्या करेगा, एसएसबी आपको कोई एक फॉर्म बताएगा। सपोज मैं बताऊंगा यहां पर, एसएसबी इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, विच वन, चलो रब करते हैं पहले बोर्ड को, ओके, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा सकता है एसएसबी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the roster form of a given set? Which one of the following is the roster form of a given set? एक सेट दिया है, किस फॉर्म है? अभी बताया मैंने, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी दी गई है, नहीं कि एलिमेंट्स दिए गए हैं। कुछ प्रॉपर्टी इस तरह है, x एक वेरिएबल यूज हुआ है, x ऐसे ही मान लो एलिमेंट्स का नाम जनरल है, इज एन इवन नंबर, ऐसे एलिमेंट्स यहां पे पिक करने हैं जो इवन है। चलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अगर मैं इस ऑप्शन पे जाऊं, चलो टू इवन है, फोर इवन है, लेकिन ये और ये
इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इस रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। दूसरा पार्ट a इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, हालांकि नंबर्स ये भी हैं, लेकिन ये तो ऑड है, ये तो ऑड है, इवन तो नहीं है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो ये भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अब देखो ये करेक्ट ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि इसमें कौन एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8, 2 भी इवन, 4 भी इवन, 6 भी इवन, 8 भी इवन, तो ये वाला इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एसएसबी से। अब देखो, अब ये डॉट डॉट क्या है, पहले वीडियो में बताया है, इसका मतलब है इनफाइनाइट सेट है, ऐसा नहीं है कि ये चार इवन है, और भी इवन नंबर है, सीधी सी बात है, 8 के बाद 10 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस, इस तरतीब के हिसाब से, उसके बाद 12, उसके बाद 14, इस तरह आपसे एसएसबी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। ओके, तो उसके बाद हम नया टॉपिक उठाएंगे जल्दी से, क्योंकि ज्यादा भी टाइम नहीं देना है मैथ से। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इस एग्जांपल को ध्यान में रखना और इसको लिखना भी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट्स। सबसेट किसे कहते हैं? देखो, सेट का आधा, सेट से कम होगा ये। किस तरह एग्जांपल हम देते हैं, पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? लेट ए एंड बी बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, दोनों के दोनों खाली नहीं, मतलब दोनों के दोनों में कुछ न कोई न कोई एलिमेंट है, ठीक है? देन ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ बी, तो ए को हम बी का सबसेट कहेंगे इफ एंड ऑनली इफ, आई एफ एफ का मतलब होता है इफ एंड ऑनली इफ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर कोई एलिमेंट ए का किसमें भी होगा, बी में भी होगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, हम मान के लिए चलते हैं ए कोई सेट है 1, 2, 3, बिल्कुल उसमें एलिमेंट है जैसे डेफिनेशन में हमने बताया है, नॉन एम्प्टी है, मींस खाली नहीं है, ए में है 3 एलिमेंट्स और बी में है 1, 2, 3, 4, 5। देख लो, क्या हर कोई एलिमेंट ए का बी में भी है? बिल्कुल है, ए एलिमेंट ए में 1 है, बी में भी 1 है, क्लियरली। ए में 2 है, बी में भी 2 है, क्लियरली। ए में भी 3 है, बी में भी 3 है, क्लियरली। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बी, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। तो ये सबसेट का सिंबल है, ये दिस इज द सब सिंबल ऑफ द सबसेट, सी लेकिन थोड़ा बड़ा सा होना चाहिए। तो दिस इज द सबसेट, तो क्लियरली ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो यहां से आपको समझ में आया सबसेट का मतलब होता है, अगर किसी एक सेट के एलिमेंट दूसरे में भी प्रेजेंट है तो ये वाला सेट उसका सबसेट कहेंगे। अब आपको क्वेश्चन अराइज होगा, ये क्या लगता है फिर उसका, देन बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। हालांकि आपसे नहीं पूछा जाएगा इतना। एक और एग्जांपल, अगर ए में लूंगा मैं 3, 4, तो बी यही सेट बी में लूंगा 1, 6, 9, 3, तो क्या ए बी का सबसेट है? चेक करते हैं, ए में 3 है, बी में 3 है, बिल्कुल है। ए में 4 है लेकिन बी में 4 नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेफिनेशन क्या बोल रही है, डेफिनेशन बोल रही है एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर कोई ए का एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। देन हियर इन दिस केस ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। ओके, अब क्वेश्चन एसएसबी किस तरह पूछा जाएगा एसएसबी से। आपको कोई सेट दिया होगा, आपको चूज करना है नीचे कौन नीचे इनमें से सबसेट है। एग्जाम्पल इस तरह एसएसबी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एसएसबी से कोई सेट होगा, क्वेश्चन कोई इस तरह होगा, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। ओके, नीचे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी 3, 6, 9, ऑप्शन सी 1, 3, 5, ऑप्शन डी 1, 9, 10। आपको बोलना है इस सेट ये किसका सबसेट है, नीचे जितने सेट हैं चार ऑप्शंस हैं इनमें से ये किसका सबसेट है, जरा बोलो 1, 2, 3 किसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। आप बोलोगे सर 3 तो ए का है, इसमें भी है, लेकिन 1, 2 इसमें नहीं है, तो दिस इज नॉट द सबसेट, तो ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका भी सबसेट नहीं है क्योंकि 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये इसका भी सबसेट नहीं है क्योंकि 2, 3 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो दिस इज द, यहां इस तरह क्वेश्चन आपसे एसएसबी पूछेगा सबसेट है कि नहीं है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक है, इन पे एग्जांपल्स हम बाद में करेंगे जब आपको मॉक टेस्ट लेंगे, तो फिलहाल इतना डेफिनेशन समझ लो, ये समझ में आ गई तो आपको कोई भी क्वेश्चन वहां से करना आएगा। ओके, जब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक ही जाऊं, नेक्स्ट टॉपिक जाऊं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक यूनियन ऑफ सेट्स।
एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, क्या मतलब हो गया यूनियन ऑफ सेट्स। हालांकि मैथमेटिकली कुछ और डेफिनेशन होते हैं उनकी, लंबी चौड़ी डेफिनेशन होती है, लेकिन आपसे एसएसबी थोड़ी डेफिनेशन पूछेगा, आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम्पल कोई पूछेगा। क्या है एग्जाम्पल? यूनियन ऑफ ए सेट, हम मान के लिए चलते हैं ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, मान के लिए चलते हैं। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, 10, 11, 12। बी में है 3, 4, 5, हमारे पास दो सेट्स हैं। अगर आपको उनका यूनियन बताना है, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन, यू को यूनियन कहते हैं मैथमेटिक्स में। ए यूनियन बी, इसका मतलब है जिस तरह ए प्लस बी होता है, इस तरह ए यूनियन बी, प्लस का सिंबल ये होता है, उसी तरह यूनियन का सिंबल ये होता है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, जब ए सेट है बी सेट है तो उनका यूनियन भी सेट होगा। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस में, टॉपिक वन में पढ़ाया है। तो क्या होता है यूनियन? इसके एलिमेंट्स भी लेने हैं, इसके एलिमेंट्स भी लेने हैं। देखो 1, 2, 3, इसके भी एलिमेंट लिखो 3, 4, 5, लेकिन 3 रिपीट नहीं हो जाएगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट। तो 3 को एक ही बार हम लिखेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 इज द यूनियन ऑफ सेट। क्या मतलब हो गया, डेफिनेशन क्या होगी फिर? ए यूनियन बी मीन्स, ए यूनियन बी का मतलब हो गया ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के तमाम एलिमेंट्स लेने हैं विदाउट द रिपीटिंग एलिमेंट्स। कैसे समझाता हूं? अगर आपके बैग में, आप 10th में सपोज पढ़ रहे हो, सपोज अगर आपके बैग में दो किताबें हैं मैथमेटिक्स की, टेक्स्ट दो है, जब आप टीचर आएगा पढ़ाने, क्या आप दोनों टेक्स्ट को सामने रखोगे? नहीं, टेक्स्ट तो सेम है ना। तो ये लॉजिक यहां पे भी है कि 3 को हम दो बार नहीं लिख सकते हैं सेट में, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट। तो यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या हो गया? कैसे क्वेश्चन पूछेगा एसएसबी आपको? तो दो सेट्स देगा वो, ए और बी, और नीचे चार ऑप्शन बताने हैं कौन उनका यूनियन है, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा एसएसबी। ए यूनियन बी मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, तमाम एलिमेंट्स ए के और बी के, ये हो गया यूनियन। इसी तरह इंटरसेक्शन, नेक्स्ट टॉपिक इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? ये मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, एग्जाम इसके में, इस पे मैं 10-12 क्वेश्चन सेट्स में दूंगा जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट्स, आपको सेट्स का इंटरसेक्शन बताना है। इंटरसेक्शन क्या मतलब? यही सेट लेंगे हम, एग्जाम्पल हम यही लेंगे, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, बी इज इक्वल टू 3, 4, 5। तो ए इंटरसेक्शन, दिस इज द सिंबल ऑफ द इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट आएगा जो दोनों में कॉमन है। तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स को लेते हैं विदाउट रिपीटेशन, इंटरसेक्शन में सिर्फ उन एलिमेंट्स को लेते हैं जो कॉमन होंगे। तो क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन? ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। दिस इज द इंटरसेक्शन, यूनियन भी हो गया, इंटरसेक्शन भी हो गया। ओके, कैसे एग्जाम्पल पूछेगा एसएसबी? एक एग्जाम्पल बताते हैं यूनियन का, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, यूनियन पे भी एक एग्जाम्पल मैंने डाली है, इंटरसेक्शन पे भी ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, गारंटी ले लो। देखो क्या है, अगर आपके पास दो सेट हैं, ए, ए में एलिमेंट है स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल ई, क्योंकि एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फाबेट से लिखते हैं, और सेट को, जो सेट को कैपिटल, कैपिटल बी मीन्स दूसरा सेट इज इक्वल टू ए बी एफ, दो सेट है। पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज ए यूनियन बी, इन दो का यूनियन क्या होगा? ऑप्शन ए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कमा बी कमा ई ए बी एफ, मीन्स ये एलिमेंट भी, ये एलिमेंट भी, ठीक है। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? अपने दिमाग में सोच लो। दूसरा, ए इन बी ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? ए यूनियन बी ए बी ई एफ, ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबो, नोटा, नन ऑफ द एबो, सोच लो। सोचने के बाद मैं बताता हूं। देखो, ए और बी और बी रिपीट हो रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट। ए बी सी डी ई एफ, तो सी डी कहां से आ गया? सी डी वो है ही नहीं, तो नहीं आएगा। ए यूनियन बी ए बी ई, इसके एलिमेंट लिए, अब इसके भी एलिमेंट लेंगे, ए बी आएगा फिर, लेकिन ए बी को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये वाला एलिमेंट बचा है, इसको लिखेंगे। तो ए यूनियन बी ए बी ई एफ, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, नोटा नहीं है क्योंकि ऑप्शन है। ये हो गया हमारा यूनियन। इंटरसेक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अगर ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है एम एन ओ, ओके, बी में एलिमेंट है पी क्यू आर, यूजुअली मैंने बताया सुमाल अल्फाबेट, ऐसा कोई हॉर्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन, तो इनके दरमियान कॉमन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, क्या एम दोनों में है? नहीं है, ऑप्शन गलत है। ए इंटरसेक्शन बी क्यू, क्या क्यू कॉमन है? यहां पे क्यू है, यहां पे नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी। दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है? नहीं है,
तो मैथमेटिक्स को नहीं को बोलते हैं भाई, पता है मैंने, जब कोई एलिमेंट किसी सेट में ना हो तो उसको कहते हैं एम्प्टी सेट, एंड दिस इज द सिंबल फॉर दैट। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ए इंटरसेक्शन बी क्यू, पी क्यू आर, ये इस सेट को बोल रहा है, पी क्यू आर इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं और कोई टॉपिक लाऊंगा, लेकिन अगर कुछ रहा होगा, मुझे लग रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एक फार्मूला बताऊंगा मैं, उस 2-3 मिनट लगेंगे उसमें, तो नेक्स्ट वीडियो में वो लाऊंगा, और नेक्स्ट टॉपिक मैथमेटिक्स का। ओके, ऑल द बेस्ट।